गाइस, जैसे कि आपको पता ही है, आज से तकरीबन 19 साल पहले यानी कि 25 मई 2025 को मारुति की तरफ से हमारे इंडियन मार्केट में एक गाड़ी लॉन्च की गई थी जिसका नाम था स्विफ्ट। और इस गाड़ी के मार्केट में आने के बाद से आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि इस गाड़ी का इतना दबदबा आज तक रहा है कि आज तक भी इस गाड़ी का सेल अभी तक भी नहीं कोई इसको बीट कर पाया। मतलब ये इंडियंस की सबसे फेवरेट गाड़ी बन चुकी है 2005 से लेकर आज 2024 तक। देखो, हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा प्यार दिया गया 19 साल के अंदर, मतलब 2.5 मिलियन से ज़्यादा गाड़ी ये ऑलरेडी स्विफ्ट के यूनिट सेल कर चुके हैं हमारे इंडिया मार्केट में। तो गाइस, अभी इसकी 3 जनरेशन हमारे इंडिया मार्केट में आ चुकी है। ये रही हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकेंड जनरेशन, ये है थर्ड जनरेशन, और ये है हमारी फोर्थ जनरेशन जो जल्द ही हमारी इंडिया मार्केट में मारुति की तरफ से लॉन्च कर दी जाएगी। सबसे पहले इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के हम बारे में बात कर लेते हैं। जापान में ये स्विफ्ट ऑलरेडी गाइस लॉन्च हो चुकी है और इंजन जो वहाँ पे चल रहा है वो 1.2 लीटर का 1200 cc का पेट्रोल इंजन वहाँ पे जो 3 सिलेंडर्स के साथ आता है वो वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। बट सबसे अच्छी बात ये रह रही है हमारे इंडियंस के लिए, क्योंकि जो इंडिया में स्विफ्ट लॉन्च की जा रही है उसमें एक न्यू इंजन इंट्रोड्यूस मारुति करने वाली है जो जेड सीरीज़ का इंजन रहने वाला है और जिसकी BHP रहेगी, 100 BHP रहेगी जिसकी। और ये माइलेज में आपको 26 से 25 तक की आपको अच्छी खासी माइलेज दे देगी गाड़ी। इंजन मारुति की तरफ से लॉन्च किया गया है वो भाई एक हाइब्रिड इंजन है। बट यहाँ पे एक बात का थोड़ा शक हो रहा है, अगर ये हाइब्रिड सेम इंडिया में गाड़ी लॉन्च कर दी गई तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा अप चला जाएगा और वो स्विफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक रहेगा गाड़ी के लिए, क्योंकि मोस्टली मारुति की गाड़ियाँ ज़्यादा सेल ही इस कारण हो रही है कि ड्यू टू इसके बजट से। अगर ये हाइब्रिड इंजन हमारा इंडिया मार्केट में आ गया, इसकी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा भाई लो हो जाएगी। और ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इंडिया में अभी 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड EMT ट्रांसमिशन चल रहा है, लेकिन नया वाला जो इंजन है उस पर अगर 90% चांसेस है कि इसमें इसके साथ एक CVT इंजन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। CVT इंजन आ जाता है तो स्विफ्ट की ड्राइविंग ऑटोमेटिक ही बहुत ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा इसमें पावर एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगी। अब इसके एक्सटीरियर्स के बाद बात कर लेते हैं, क्या क्या हमें इसमें न्यू फीचर्स एंड न्यू क्या हमें चेंजेस गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि फेसलिफ्ट मॉडल्स है तो आपको फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा इसमें लुक्स में आपको चेंजिंग्स देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट में आपको यहाँ देख सकते हो रेडिएटर ग्रिल बिल्कुल ज़्यादा इस बार चेंज कर दी गई है और सेम पैटर्न मैश जो है आपका मैश ग्रिल ही रखी गई है, वो हनीकॉम वाली ग्रिल जो है उस वही सेम ग्रिल है, बस पैटर्न को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। और जहाँ पे वो भाई आपको ओल्ड मॉडल में आपको स्क्वेयर कर रखी सेंटर में आपको जो सिल्वर कलर की क्रोम देखने को मिलती थी, अब न्यू मॉडल में गाइस उसको सी टाइप को में उसमें आपको बना दी गई है पूरी ग्रिल का आपको, जो कि गाड़ी का एक स्पोर्टी सा लुक निकल के आ रहा है। और जो लोगों की बात करते हो तो वो जो पहली बार स्विफ्ट में था वो भाई ग्रिल के अंदर आता था लोगो, और नई स्विफ्ट में आपको लोगो जो है वो ग्रिल से हटाकर भाई बोनट पे ही बोनट के नीचे दे दिया गया है, जो सेम डिज़ायर की तरह एक ग्रिल को पूरा खाली कर दिया है कि जो दूर से इस गाड़ी की लुक लगती है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सी लगती है ब्लैक ग्रिल में जब वो ग्रिल खाली रहती है। और नीचे की बात करते हो तो आपको जैसे डिफ्यूज़र टाइप सिल्वर कलर का आपको इस बार न्यू मॉडल में देखने को मिल जाएगा क्रोम में, और ओल्ड मॉडल में ऐसा कुछ नहीं था। और ऊपर हेडलैम्प्स में सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज किया गया है, ओल्ड मॉडल में आपको सिल्वर कलर के प्रोजेक्टर मिलते थे आपको, और न्यू वाले में आपको बिल्कुल ही लाइट्स चेंज करके आपको ब्लैक लाइट्स दे दी गई है विद एल शेप न्यू डिज़ाइन की DRL के साथ। और नीचे फॉग लैंप्स की बात करते हो तो इस बार भाई आपको नीचे भी LED फॉग लैंप्स देखने को मिले जाएंगे, जो कि लास्ट टाइम में आपको बिल्कुल हेलोजन दे के निराश कर दिया गया था। राइट प्रोफाइल में जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा अलॉय व्हील्स में, साइज़ बिल्कुल सेम रहेगा 16 इंच और डिज़ाइन बिल्कुल चेंज कर दिया गया है इस बार अलॉय व्हील्स का। आप देख सकते हो ओल्ड में काफ़ी एक बेसिक से अलॉय व्हील्स दिए गए थे सुजुकी के लोगों के साथ, बट इस बार इन्होंने अलॉय व्हील्स को भी एकदम गाड़ी को स्पोर्टी सा जैसे गाड़ी को बनाया है, एकदम अलॉय व्हील्स भी एक न्यू डिज़ाइन कटर डिज़ाइन में आपको स्पोर्टी से अलॉय व्हील्स 16 इंच के आपको यहाँ पे डायमंड कट के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं।
जो पर्सनल मुझे काफ़ी अच्छा लगा न्यू डिज़ाइन। एज रूफटॉप की बात करें तो इसके अपर वाले वेरिएंट्स में आपको ब्लैक रूफ ही प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी एक इसके टॉप मॉडल्स में आपको ड्यूल टोन लुक दिया गया था, इस बार भी आपको ड्यूल टोन लुक ही इसके अपर वाले वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। बाकी न्यू डिज़ाइन में जो चेंज किया गया है न्यू वाले मॉडल में, वो भाई इसका है रूफ का सी पिलर का कनेक्टेड, जहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है इसका रूफ का सी पिलर बैक का, वहाँ पे उसको भी या गाइस यहाँ पे कनेक्ट करके ब्लैक कलर का ही उसको वहाँ पे कर दिया गया है, जो कि पहले रूफ जो आती थी वो ऊपर ऊपर तक ही ब्लैक आती थी, बट इस बार नीचे सी पिलर को भी कनेक्ट करके एकदम गाड़ी को स्पोर्टी लुक में बनाकर उसको भी ब्लैक कर दिया गया है। बाकी एक जो मेजर सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो भाई इसका है बैक डोर का, जो था डोर लास्ट टाइम पोजीशन थी वो ऊपर आ रही थी, उसकी हिडन में रखा गया था, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है, पहले जो था वो हिडन रखा गया था ऊपर, बट उसको हटा के अब नीचे ही एज इट इज़ जैसे फर्स्ट सेकंड जनरेशन में आपको डोर हैंडल मिलते थे, वैसे इस बार भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं सेम ओरिजिनल पोजीशन में ही। और सबसे बड़ा जो चेंज भाई जो इन्होंने किया था वो है करेक्टर लाइन का। न्यू लुक में एक अलग सी आपको विंडोज़ के नीचे साइड में आपको करेक्टर लाइन एक शार्प सी देखने को मिलेगी, जो कि लास्ट मॉडल में मतलब जो पुराना मॉडल आता था उसमें वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिसिंग थी और वो साइड प्रोफाइल से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी दबी दबी सी लगती थी, बट इस करेक्टर लाइन की वजह से गाड़ी के जो लुक्स है साइड से काफ़ी ज़्यादा शार्प निकल के आ रहे हैं। भाई साइड में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे वो है कहीं ना कहीं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, 163 mm का आपको बहुत ही कम यानी कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो कि इंडिया के रोड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउन है। ये कोई चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रॉबैक लगा इसमें। कि भाई अब रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बैक से भी गाड़ी को चेंज किया गया है। सबसे पहले जो नज़र जाती है भाई वो जाती है गाड़ी के टेल लैंप्स के ऊपर, और पहले वाले में भाई जो टेल लैंप्स थे वो भाई सी शेप में दिए गए थे, और इस वाले में जो नई वाली जो गाड़ी है उसमें भाई आपको यू शेप में आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, और नए वाले मॉडल में भाई बैक कैमरा भी आपको जहाँ पे बूट पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी प्लेसमेंट सुजुकी के लोगों के नीचे रहेगी, जो कि आपको लास्ट टाइम कहीं भी देखने को नहीं मिला। इसके अलावा स्विफ्ट की जो बैजिंग थी वो पहले लेफ्ट साइड दी गई थी, स्विफ्ट की बैजिंग सुजुकी के लोगों के लेफ्ट साइड दी गई थी, बट इस बार चेंज करके उन्होंने राइट साइड इस बार बैजिंग को नीचे, आपको अगर न्यू मॉडल में हाइब्रिड का ऑप्शन इंडिया में आता है तो लोगों के नीचे आपको हाइब्रिड की बैजिंग ज़रूर देखने को मिलेगी, लास्ट टाइम आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला था अगेन पुरानी स्विफ्ट में। और नीचे बम्पर में जो भाई नंबर प्लेट का जो पोजीशन आता है उसको भी एकदम मतलब चेंज करके उस पोर्शन को भी एक स्पोर्टी सा लुक दिया गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे दिया गया है नंबर प्लेट वाली जगह को भी, कि काफ़ी ज़्यादा पीछे जैसे वो भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सी लग रही है। और नंबर प्लेट के नीचे आप डिफ्यूज़र बोल सकते हो या साइड बैक स्किट्स बोल सकते हो, उसको भी एकदम पियानो ब्लैक में रख के आपको बना दिया गया है, जो कि लास्ट टाइम में कुछ नहीं दिया था इस गाड़ी में। और इसके अलावा बात कर लेते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर में जो सबसे पहले आपकी जो नज़र जाएगी वो आपको न्यू स्विफ्ट में आपको ड्यूल टोन इंटीरियर प्रोवाइड किया गया है विद वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बो, यही सेम कलर कॉम्बिनेशन आपको मारुति की ब्रेजा में, मारुति की फ्रॉन्स में और मारुति की ब्लेनो में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। उसी से इंस्पायरिंग आपको इसमें भी आपको डैशबोर्ड एंड इंटीरियर का जो लुक बनाया है इस गाड़ी। और भाई इसी के साथ ही जो म्यूजिक सिस्टम है वो फ्लोटिंग टाइप आपको म्यूजिक सिस्टम इस बार गाड़ी में दिया गया है, जैसे कि आप देख ही चुके हो गाड़ियों में मारुति ब्लेनो एंड हाईराइडर में जैसा आपको फ्लोटिंग टाइप म्यूजिक सिस्टम मिलता है, सेम आपको इस गाड़ी में भी इंट्रोड्यूस फ्लोटिंग टाइप आपको म्यूजिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बाकी इसी के साथ जो एप्पल कारप्ले है एंड एंड्रॉयड ऑटो है वो सारे भाई इसके साथ वायरलेस रहेंगे। तो आओ अब हम थोड़ा इसके ना गाइस फीचर्स के बात कर लेते हैं। 5 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल रहा है, कीलेस स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाले बटन्स आपको अंदर इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे, स्टेयरिंग माउंटेड जो टेलीफोन ही है वो आपको देखने को मिल जाएगा, मल्टीमीडिया बटन्स आपको स्टेयरिंग व्हील पे देखने को मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल बटन्स मिल जाएंगे आपको गाड़ी में अगर इस बार क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी में आता है तो, और स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन में आपको भी गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल साइड
साइड मिरर्स में आपको इस गाड़ी में 360 कैमराज आपको भी प्रोवाइड हो जाएंगे इसके जो टॉप मॉडल रहेगा उसमें। बाकी भाई अगर हम सेफ्टी की बात कर जाएँ तो इसमें आपको भाई दो एयरबैग्स तो मैंडेटरी हैं, वो तो आएंगे सेफ्टी में। बाकी अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि भाई अभी कितने एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाए। बाकी अगर लॉन्च की बात करते हो तो भाई ये हमारी इंडियन मार्केट में आपको मई 9 2024 को इंडियन मार्केट्स में आपको ये हमारी मारुति की तरफ से लॉन्च होती हुई दिख जाएगी। बाकी ये थी गाइस आज की वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।